अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज बन रहा है मेरे किचन में चिकन चरगा, और ये चरगा बना रहा है मेरा छोटा भाई। वेलकम टू माई चैनल वॉइस ऑफ फूड एंड फन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। यहाँ लिया है आधा किलो दही और उसमें डाला है शान कढ़ाई मसाला। शान कढ़ाई मसाले का पूरा एक पैकेट डाल दिया है। अब इसमें डाला है 1.5 टीस्पून नमक का। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया जाएगा। पपीते और अदरक लहसुन के पेस्ट को एक साथ पीस लिया था, 1 टेबल स्पून ये जाएगा इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। और यहाँ पर सारे मसालों को दही के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो मसाला बना रहे हैं हम, ये हम लगाएंगे 2 चिकन चरगों पर। 2 चिकन चरगे बना रहे हैं और यहाँ मसाला लगाना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये मसाला लगाना है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला लगाएंगे, जितना अच्छा ये मैरिनेट होगा चरगे का टेस्ट, उतना ही अच्छा और बेहतरीन आएगा। तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से चरगे की धुलाई हो रही है, मतलब ये कि चरगे में बहुत ही अच्छी तरह से मसाला लग रहा है, और तकरीबन ऊपर की तरफ ये लग गया है। अब हम इसे नीचे की तरफ से लगाएंगे, और यहाँ देखें खूब रगड़ रगड़ कर इस पर मसाला लगाया जा रहा है। और ये मेरे भाई की बेस्ट रेसिपी है। ये जो स्पेशल मसाले मेरे भाई ने बनाए हैं दही के साथ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये स्पेशल रेसिपी है मेरे भाई की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बनेगा बहुत ही बड़े से पतीले में। इसके लिए हमें किसी भी तरह की ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर घर में ओवन की सहूलत मौजूद नहीं होती, इसी वजह से हम इसे बनाएंगे पतीले में। और यहाँ चिकन को मैंने पतीले में डाल दिया है, और सारा का सारा मसाला इसके ऊपर लगा दूंगी, और इसी पतीले में मैं इसे मैरिनेट कर दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और अब मैं इसे पकाऊंगी लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए। और बस अब ये स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। 1 घंटे के बाद इसे खोलते हैं और देखते हैं। 1 घंटा हो चुका है, और ये देखें माशाल्लाह 80% चिकन हमारी गल चुकी है। अब मैंने इसे 20 मिनट और पकाया है, और ये देखें चिकन ने बहुत सारा अपना पानी छोड़ दिया है। और बस इस पानी को अब हम चिकन पर डालेंगे। चिकन तकरीबन डन है। यहाँ हमने रख दिया है कोयला इस पर दम देने के लिए। और ये देखें इसका मसाला, आप लोग पूरी तरह से ड्राई मत कीजिएगा इस मसाले को, इस चिकन के साथ खाइएगा रोटी के साथ। और यहाँ देखें माशाल्लाह से चिकन चरगा ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।